Hello and welcome back to Two Bonded Birds. This is Ridhni Samta and Ruchika Sharma. मेरी शादी एक महीने में आने वाली है और उसकी तैयारियाँ अब करनी हमें ज़रूरी हो गई है. तो हम आज जा रहे हैं मार्केट. हमने करनी है थोड़ी सी शॉपिंग, जैसे कि मैंने साड़ी लेनी है, इसने मेरी शादी के लिए साड़ी लेनी है. हाँ, वो जो भी शॉपिंग रहती है इसकी शादी की करने को थोड़ी बहुत. और अभी इसके फैमिली मेंबर्स भी आ रहे हैं तो उनसे हम मिलेंगे अभी मार्केट जाके. मैंने सूट्स भी देने हैं सिलने के लिए. अभी एक महीना रह गया सिर्फ और मुझे सूट्स जल्दी जल्दी चाहिए. अब तो आज जाके हम टेलर से भी बात करेंगे और क्या करना है और देखते हैं आगे. अभी तो वैसे भी आपको पता अनप्लान्ड ही जाता है सब कुछ, बट फिलहाल अभी मार्केट जाने का मेन पर्पज़ ये है कि हम अपनी जितने भी काम है वो निपटा दें. लंच टाइम भी हो गया तो पहले हम कुछ खा भी लेंगे क्योंकि बहुत भूख लग रही है. तो बस आपको मिलते हैं और चलते हैं यहाँ से. जल्दी जल्दी बहुत खाना है. ये सब पकड़ ले और लाइट्स ऑफ और लेट्स गो. गिरा तो नहीं? नहीं नहीं. टिड्डी हो गई थी. जल्दी करने का सोचते हैं ना इतना हड़बड़ाहट में और भी लेट हो जाती है. यार तेरे को पता है मैंने शूज कैसे पहने हुए अभी? मतलब दिख भी नहीं रहे इसमें. ऐसे पहने ही नहीं है अभी, सिर्फ यार पैर घुसा है अंदर सिर्फ. जल्दी के लिए तो चल मरने दे. हेलो प्रेम, कैसे हो? बहुत बढ़िया यार. ब्रदर्स जिनको शादी में सबसे ज्यादा काम होगा. हाँ अभी भी काम जिनको है सबसे ज्यादा. हम हो जाएंगे फ्री, बस अपन फ्री हमने सूट ही देने हैं. बहुत हैवी साड़ी है यार, ये बहुत हैवी है. तू नहीं इसको कैरी नहीं कर पाएगी इसको. पिटी लग रही है ये. इतना बिटी पर इसका ये भी सोचती हूं. इधर बहुत प्यारा लग रहा है भाई ये. तू और मेरी बहन सेम कलर के हो जाओगे. उसने भी लेवेंडर लेना है. मैं लेके आई हूं उसके लिए लेवेंडर. अच्छा मैं तेरे को बता रही हूं. सही बात है. बहुत प्यारा है यार ये ना. इसका जो नेट है ना, ये नेट का फ्लेयर अच्छा सा आ रहा है इसका. सिंड्रेला गाउन जैसा. तो बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी इतनी शॉपिंग करने के बाद. शॉपिंग करना भी बहुत एनर्जी सकिंग है. यस यार, मैगी कुछ खा लें. हाँ लंच के लिए तो हम कुछ खा लेते हैं पहले. अभी मैंने किचन भी शिफ्ट करना है और मुझे किचन का बहुत सारा सामान लेना है. हाँ, इसका सामान लेने जा रही है और सब रुचिका की चॉइस का होना चाहिए, इसलिए इसको जाना ज़रूरी है. यस. हाँ, और हमारे बिल्कुल पीछे आप देख सकते हो चर्च. शिमला का फेमस चर्च है. बहुत ही ओल्ड. इतने टाइम बाद मौसम भी ठीक हुआ है तो अच्छा लग रहा है कि हम पिछले कितने बादल हम घूम. हाँ, मौसम अच्छा है बट स्टिल इतनी बारिश नहीं हो रही तो भाई नहीं मच रही. शिमला थोड़ा बच गया है. अच्छा, शिमला सांस ले पा रहा है. तो हम जा रहे हैं हम रुचिका शर्मा की शादी की तैयारियों को गति देने के लिए, फ्यूल देने के लिए. अब हम चल बहुत ज़्यादा जरूर. तो गाइस बने रहे हमारे साथ. इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखें. इस व्लॉग का क्या होने वाला आगे हमें नहीं पता. बाय.
हाँ अभी हमें लक्कड़ बाज़ार बस स्टैंड होता था जहाँ पुराना लक्कड़ बाज़ार बस स्टैंड, हाँ, और हम वेट कर रहे हैं मेरे भाई का, वो बस आने वाला है, फिर हम जाएंगे शॉपिंग, घर की शॉपिंग। एक हीरो वाला ना खुद ही से लड़ता होता है, तू है विलन नहीं है वैसे, रॉकी भाई, हाँ वैसे वही। तो हम लोग पहुँच गए शॉप पे और शॉप है बंद। हमने भैया को बहुत मुश्किल से रिक्वेस्ट करके बोला कि प्लीज़ भैया प्लीज़, बहुत क्योंकि हम बहुत दूर आए हैं और इतनी दूर आने के बाद अगर हम कुछ लेके नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर टाइम भी नहीं है ना इस चीज़ें बार बार लेने। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भैया मान गए हमारी बात और अब हमें वो लेके जा रहे हैं शॉप पे। हाँ बंद हुई दुकान को खोला जा रहा है। बहुत सुंदर डिजाइन है। अरे आपको पता रास्ते कितने बुरे हाल हो गए। हाँ बहुत ब्यूटीफुल है। एक गिलास और चाहिए इसमें। यहाँ पे ये ना होल सेल की मार्केट है, ठीक है, मग है, कॉफी मग। ऑलवेज राइट, दिस इज मी, ओह माय गॉड इट्स मी। कितना बालकनी का मेकओवर करूंगी, इतना अच्छा पॉट हो गया भाई, बहुत सुंदर लगेगा ये बालकनी में। क्या तो इसको फ्रंट डोर पे भी लगा सकते हैं। और ये मटेरियल पीतल है भैया, क्या बोला आपने, कौन सा मटेरियल? पीतल, ये पीतल है, पीतल के अंदर ये हमें दे दिए है बर्तन, बर्तन लिए गए हैं। अब बिल्ली का बहुत अच्छा पड़ेगा, मैं तो अपना बैग अपना चल ठीक है डुच्चू, बाय बाय बाय, ओके बाय बाय, मिलते हैं कब? सून, नेक्स्ट वीक बैचलर्स, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, ठीक है, बाय बाय बाय, मिस यू ऑलरेडी। कल कहाँ से पढ़ यार, अभी मेरे पति ने आना है तो उसको रिसीव करती हूँ, है ना, पति को भी चल ले चलूँगी, आऊँगी कभी ज़रूर, ठीक है बाय। तो गाइज उच्चिका शर्मा चली गई है अपने घर। मैं यहाँ पे इसलिए रुकी हूँ क्योंकि अभिषेक ने मुझे बोला था कि ही इज़ अबाउट टू रीच, तो मैंने सोचा मैं अभिषेक के साथ ही घर जाती हूँ, तो इट्स वर्थ वेटिंग, थोड़ा टाइम लगेगा पर मैं वेट कर लेती हूँ उसका। हेलो हेलो बेबी, हाय लव, हाय, यार सॉरी। तो गाइस मेरे हस्बैंड गए थे लखनऊ, तो कितने दिन लगा के आए आप बेबी? मेरे साथ रुचिका थी उतने दिन यहाँ पे, मैं बहुत ज़्यादा शादी क्यों करनी है उसकी, तो हो रही ऑलरेडी शादी, रुचिका से क्यों शादी करनी, जेलिस पति ही इज। तो बेबी आप लखनऊ गए थे तो अब लखनऊ से क्या लाए हो मेरे लिए? सरप्राइज। चलो मैं अभी घर जाके देखूंगी कि मेरे लिए लखनऊ से क्या लेके आया है अभिषेक। अभिषेक के लिए भी सरप्राइज है एक मिनट, नहीं हां छोटा सा सरप्राइज, छोटा मत दिया करो, तो बड़ा देना था, बड़ा मत दिया। गाड़ी ऐसे खुले में पार्क करना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है इस वक्त, वैसे तो यहाँ पे पार्किंग होती थी बट आप देख सकते हो बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि ऊपर से सारा फ्लड के साथ, सारा जितना भी मिट्टी पत्थर है वो सब फ्लड के साथ नीचे आ गया है, इसलिए फिलहाल अभी रास्ते के साइड पे गाड़ी लगाइए, सुबह इसको फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग हम इसे शिफ्ट कर देंगे गाड़ी को यहाँ से, हम पार्किंग में। हाँ टूट गया है सब कुछ यार, रास्ता सारा खराब हो गया, देखो इतनी इतना पानी था यहाँ पे कि सारा रास्ता क्या गिरा है, वेलकम। ये पानी गिरा ऊपर से, काय बैग वाला ऊपर रखना तब भी खुलेगा ठीक से। अम्मी गिफ्ट खा लाया है बेबी, तो अभिषेक अपना गिफ्ट निकाल रहा है, जितने को ये अनपैक करेगा तब तक मैं अपना गिफ्ट लेके आती हूँ।
अभिषेक को प्लांट्स का बहुत शौक है, आप देख सकते हो इतने सारे प्लांट्स जितने भी है ये सब अभिषेक लगाता है। तो ये वाला गिफ्ट फॉर हिज तुलसी, जो ये तुलसी प्लांट करेगा। और वैसे मैंने आज दूसरा भी लाना था बेबी, पर आपने लेने नहीं दिया। वो अच्छा लग रहा है, अंदर उगाएंगे इसमें तुलसी, वैसे बाहर बालकनी में ही रखेंगे, अच्छा लगेगा। है ना क्यूट, अभी एनर्जी नहीं है मेरे अंदर, बहुत अच्छा। अच्छा, और ये वाह, ये लखनवी चिकनकारी कहते हैं इसे। चलो कोई नहीं, बट दिस इज लखनवी मोडाल कहते हैं इसको, कपड़े कपड़ा तो आई डोंट नो, बट ये जो वर्क है ना, अच्छा मोडाल जो वर्क है ना, दिस इज ऑल चिकनकारी बेबी। वाओ, वेरी सॉफ्ट, वाओ नाइस। तो ये चिकनकारी वाला लखनवी कुर्ता अभिषेक लेके आया है मेरे लिए, और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है ये शॉर्ट कुर्ता विद दीस पैंट्स, बहुत अच्छा जा रहा है इसके साथ, आई रियली लाइक इट। और एक बैग अभिषेक ने ये भी लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। एक क्लच अभिषेक लेके आया है, ये है, ये भी चिकनकारी क्लच है, एथनिक बैग है ये, और ये अपनी सिस्टर के लिए लाया क्योंकि अभी राखी आने वाली है, तो उसके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट होगा ये। तो इसको आप पहन सकते हो ऐसे कुर्तीज के साथ भी, लहंगे के साथ भी, बहुत अच्छा लगेगा ये, कितना ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही क्यूट बैग है। तो ये थे बहुत ही प्यारे प्यारे लखनवी गिफ्ट्स फ्रॉम अभिषेक, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।